प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टपो, एक मिनट, बैट ऐसे नहीं पकड़ते, मैं बताता हूँ। जब हम बैटिंग करने आते हैं, बैटिंग शुरू करने से पहले बैट्समैन गार्ड लेता है, बैट को ऐसे पकड़ता है, मिडल स्टंप का गार्ड और लेग स्टंप का गार्ड। उसके बाद बैट्समैन बैटिंग की पोजीशन लेता है ऐसे। अरे वाह राहुल भैया, मैंने ऐसा शॉट कभी नहीं खेला। थैंक्स राहुल भैया, थैंक्स। गुड, देखो बॉल लेकर आओ, इधर आओ। देखो सबसे पहली बात, बॉल ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ते हैं, समझे? और बॉल डालते समय है ना, तुम्हारा पूरा ध्यान बैट्समैन की पोजीशन पर होना चाहिए, और हो सके तो अपने 6 के 6 बॉल बिल्कुल अलग फेंको। अब मैं तुम लोगों को कैचिंग प्रैक्टिस कराता हूँ, तैयार हो? हाँ। सबसे पहले ध्यान रखना कि जैसे ही बॉल हवा में जाती है ना, तो तुम्हारा ध्यान बॉल की ओर होना चाहिए, और जब तक बॉल को देखो जब तक वो तुम्हारे हाथ में ना आ जाए। मैं दिखाता हूँ तुम्हें, हाँ ये देखो। थैंक्स राहुल भैया, थैंक्स फॉर टिप। अब मेरी बैटिंग और स्ट्रांग हो जाएगी। हाँ, और पहले पहले तो वो मुश्किल से आउट होता था, अभी तो वो भी नहीं होगा। हाँ। राहुल भैया देखना, टप्पू बड़ा होकर टीम इंडिया में खेलेगा। हाँ। टप्पू, तू टेनिस बॉल से खेलकर कभी भी क्रिकेटर नहीं बन सकता। अरे, हाँ? क्यों? क्योंकि टेनिस बॉल से कोई भी चौके छक्के मार लेता है। टिंको, तुम बॉलिंग करो। हाँ। मैं बैटिंग दिखाता हूँ। टप्पू जाओ सामने। राहुल भैया आपने तो सॉलिड बैटिंग की है। अरे भैया तो हर बॉल पे 4-6 मार रहे हैं। मैं तो बॉलिंग डालते डालते थक गया। सच है राहुल भैया, ये टेनिस बॉल पे तो हर बॉल पे 4-6 जा सकती है। टप्पू, फिर तो तू स्पेशल क्रिकेटर नहीं है। टप्पू उदास मत हो, तुझे और टप्पू सेना को क्रिकेटर बनने के लिए है ना, टेनिस बॉल से नहीं सीजन बॉल से खेलना चाहिए। सीजन बॉल? एक मिनट बताता हूँ। बोल दो, ये देखो ये है टेनिस बॉल और ये है सीजन बॉल। सीजन बॉल? टप्पू तुम बैटिंग करो, मैं बॉलिंग करता हूं। असल में कितना हैवी है ना ये बॉल। हाँ सुनो, मुझे तो दिखा ये क्या पत्थर से बना है। पत्थर का नहीं है, लेदर का बॉल है। तुम्हें पता है सारे इंटरनेशनल मैचेस है ना इसी बॉल से खेले जाते हैं। अच्छा, तो आज से टप्पू सेना सीजन बॉल से प्रैक्टिस करेगी। हाँ, लेकिन हमारे पास सीजन बॉल कहाँ है। हाँ। इसको रख लो, मेरी तरफ से गिफ्ट है तुम लोगों के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, इस लेदर बॉल से खेलने के लिए, एक मिनट। हेलो, हाँ हाँ मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। ओके बाय।
फ्रेंड्स मुझे निकलना होगा, बेस्ट ऑफ लक, ये लो आपकी टेनिस बॉल, ठीक है? थैंक यू, फिर मिलता हूँ। अच्छे से खेलना, मैं देखूंगा कितना इंप्रूवमेंट है तुम लोगों में। बाय बाय। चल गोली, बॉलिंग कर। चल टप्पू, अब ये बॉल पे सिक्स मार के दिखा। ओके, देख सिक्स ही जाएगा। कम ऑन गोली। अरे टप्पू, सीजन बॉल को सीजन बैट से खेलते हैं, इसके लिए सीजन किट का होना बहुत जरूरी होता है। हेलमेट, ग्लव्स, बैट, शूज, इसकी जरूरत पड़ती है, नहीं तो तुम लोग को लग जाएगा ना। तो तुम तुम्हारी दुकान से लेके आओ। अरे मेरे दुकान पे थोड़ी मिलता है। तो कहाँ मिलता है? स्पोर्ट्स की दुकान पे मिलता है। तो वहाँ जाकर लेके आओ, बाद में पैसे दे देंगे। 15,000 का मिलता है, बाद में दे देंगे। 15,000? अपने माँ बाप को बोलो कि हमें दिला दो सीजन किट। बोली तेरे राहुल भाई एकदम कंजूस है। सीजन बॉल तो दिया, लेकिन सीजन बैट, हेलमेट, ग्लव्स, पैड सब सीजन देना चाहिए ना। नहीं गोगी, तो दो मिनट चुप रहेगा। हाँ। टप्पू अभी हम क्या करें? और टप्पू 15,000 तो बहुत ज्यादा है। हाँ। अरे हमारे मम्मी पापा देंगे ना। 15,000 रुपए हमारे पेरेंट्स देंगे? हाँ, क्यों नहीं देंगे, देना पड़ेगा। आज से टप्पू सेना प्रतिज्ञा लेती है। आज से टप्पू सेना प्रतिज्ञा लेती है कि फ्यूचर में हमें बड़ा क्रिकेटर बनना है। फ्यूचर में हमें बड़ा क्रिकेटर बनना है। इंटरनेशनल मैचेस खेलने हैं। इंटरनेशनल मैचेस खेलने हैं। ये हमारा सपना है। ये हमारा सपना है। और इस सपने को पूरा करने के लिए आज से हम सिर्फ सीजन बॉल से खेलेंगे। आज से हम सिर्फ सीजन बॉल से खेलेंगे। अब पेरेंट्स को बुलाते हैं। अब पेरेंट्स को बुलाते हैं। अरे ये नहीं बोलना था। अरे ये नहीं बोलना था। अरे चुप। अरे चुप। समझ गए, समझ गए। चलो। अरे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। शेखर कहाँ गया? खाने गया होगा। स्टंप खाने? किधर लगाता है गोली? ये आ गया। ये ले डब। ये क्या? शंख। स्टंप लेकर गया था, शंख लेकर वापस आया। टप्पू इसे बजाकर हम लोग पेरेंट्स को बुलाते हैं। वेरी गुड गोली, इससे हमारी बात का वजन पड़ेगा। चलो चलो। नहीं नहीं, वो हो जाएगा बाबू जी, उसकी आप फिक्र मत करो। चलो मैं चलो दुकान। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दया, दया बोलिए। अभी शंख तो बजा रहे थे। मैं नहीं, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये शंख कौन बजा रहा है? अरे कौन ने क्यों बजा रहा है? कहीं युद्ध तो चालू नहीं हो गया? वो बापूजी महाभारत में ऐसे ही होता है ना। मैं माँ से पूछूं क्या कि ये शंख कौन और क्यों बजा रहा है? तेरी माँ संजय है। मतलब महाभारत के संजय की तरह तेरी माँ के पास दिव्य दृष्टि है कि अहमदाबाद में बैठे बैठे उसे पता चल जाएगा कि यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में इस वक्त शंख कौन और क्यों बजा रहा है? नहीं नहीं, माँ के पास दिव्य दृष्टि नहीं है तो जुर्बा है, तो उससे माँ को पता होगा ना कि कब कब कौन कौन क्यों क्यों शंख बजाता है। अरे शंख की आवाज सोसाइटी कंपाउंड से आ रही है, अभी बालकनी में जाके देखते ही पता चल जाएगा कि कौन क्यों बजा रहा है। चलो आशा, पूछो इसको, पूछो।
ले, शंख तो टप्पू बजा रहा है। टप्पू बेटा, शंख क्यों बजा रहे हो? हाँ, आज क्या विशेष है? विशेष नहीं, वेकेशन, वेकेशन शुरू हो गई ना, तो नया नाटक होगा टप्पू का, मतलब टप्पू सेना का। कितना अच्छा सब बजाता है मेरा बेटा। अरे लेकिन बजा क्यों रहा है? गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। क्या गुड मॉर्निंग? ओए जड़ालाल, गुड मॉर्निंग बाद में करना, पहले ये बताओ ये तुम्हारा टप्पू शंख क्यों बजा रहा है? हाँ। अय्यर भाई, दया, मैं और बापूजी, हम तीनों इधर बालकनी में यही जानने के लिए आए। एक मिनट, टप्पू को पूछ के बताता हूँ। अरे भाई बता, भाई तू ये शंख क्यों बजा रहा है? पापा, दादाजी कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत में अगर शंख बजाए तो वो कार्य अच्छी तरह से संपन्न होता है। हाँ। वो तो है। अरे ये सब बातें छोड़ो टप्पू, ये बताओ कि क्या शुभ कार्य करने वाले हो जिसके लिए शंख बजाया तुमने? हाँ? बताओ बेटा। मैंने बहुत सोचकर भविष्य का प्लान किया है। अरे वाह, शाबाश बेटा, तो अभी रहना था भविष्य में ही बताना बेटा, चलो। अरे क्या सुनना, कोई नई शरारत का प्लान होगा? देखिए टप्पू, शरारत ही नहीं, बस थोड़ा नटखट है। ये नटखट टप्पू बेटा, क्या प्लान है तेरा, बोल। पापा, आप चाहते हो ना कि टप्पू पूरी दुनिया में फेमस हो जाए? पूरी दुनिया टप्पू को जाने। हाँ बेटा, हम चाहते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन पूरी दुनिया तुम्हें पहचानेगी। थैंक यू मम्मी। बेटा इसमें थैंक यू क्या? पापा, आप चाहते हो ना कि पूरी दुनिया टप्पू का ऑटोग्राफ ले? हाँ बेटा, हम चाहते हैं। अरे भाई, तो दो मिनट शांति रखना भाई। भाई तो बता ना, तेरा प्लान क्या है? ओके पापा, मैंने बड़ा होकर क्रिकेटर बनने का सोचा है। वाह, हमने भी। हाँ, सोनू क्रिकेटर बन रहे हैं? हरभजन सिंह बन से। बिल्कुल। वाह शाबाश बेटा, हमारे देश में आज की तारीख में ऐसा कम से कम 5 करोड़ बच्चे होंगे जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, उसमें तुम 5 और सही। और टप्पू सेना, हमारे भारत का भविष्य और क्रिकेटर बनने के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सूर्य अंकल। अबे टप्पू सेना, ये प्लान बिल्कुल कैंसिल मत करना है। बोलो, अभी तो पोपट अंकल ने भी मंजूरी दे दी है। बनो बनो बेटा, क्रिकेटर बनो। हाँ चलो, चलो। एक मिनट। पापा कैच। अरे क्या कर रहे हैं? ये क्या है? टेनिस बॉल। वेरी गुड। अब अरे ये, अरे वो सीजन बॉल। ये सीजन बॉल तेरे पास कहाँ से आया? पापा, अगर हमें क्रिकेटर बनना है तो सीजन बॉल से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। टप्पो, बिल्कुल नहीं। ये बॉल तो जिस दुकान से लेके उधर वापस दे क्या? सॉरी पापा, लेकिन हम इसे वापस नहीं दे सकते। क्यों? ये सीजन बॉल गोनी की कजिन राहुल भैया ने हमें गिफ्ट दिया। अरे हाथी भाई, ये क्या किया आपके भतीजे ने? क्या किया का क्या मतलब बेड़े मास्टर? अरे बच्चों को बॉल गिफ्ट किया, क्या किया? और अब हमें आपसे सीजन बैट, ग्लव्स, हेलमेट, पैड, पूरा क्रिकेट किट गिफ्ट चाहिए, जो आप सब हमें ला कर दो। Of course. और प्लीज आज ही। हाँ आज ही। Really? हाँ, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। करेक्ट सोनू, अभी के अभी घर पे आ जाओ, और टप्पू के साथ खेलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई भीड़े कमाल है, बच्चों को प्रोत्साहित करने के बदले तुम डांटते हो। हाँ। और बच्चों, सीजन बॉल से खेलने का मतलब पता है, चोट लग सकती है, हाथ पांव टूट भी सकते हैं तुम्हारे। लेकिन मेहता अंकल, टेनिस बॉल से खेलकर कोई क्रिकेटर नहीं बन सकता है। हाँ। ये बात भी सच है। अरे भाई गोली, ये सीजन बॉल टेनिस बॉल जैसा हल्का नहीं है, पत्थर की तरह सख्त है, सख्त।
इसीलिए तो हम लोग को हेलमेट ग्लव्स पैड चाहिए। हाँ बापूजी अभी आप ही समझाए इनको। देखो भाई तुमको पूछे तुम जवाब दो, मुझे मंदिर जाना है। बापूजी चाचा जी मंदिर। ये बापूजी ने टप्पू को सर पे चढ़ा रखा है। बराबर है, पहले सोसाइटी में सबके कांच तोड़ते थे, अभी सबके सर तोड़ेंगे, पूरी सोसाइटी को घायल करके छोड़ेंगे लोग। अरे भाई तुम लोगों का तो ठीक है, लेकिन मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ ना, और सबसे ज्यादा परेशानी हम ग्राउंड फ्लोर वालों को है। ये लोग तो यही खेलने वाले हैं और इन्होंने एक शॉट मारा और वो इधर ही आया। तो नहीं 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 भाई, सीजन बॉल से नहीं। हाँ सीजन बॉल से अगर खेलोगे तो सबसे ज्यादा खतरा हम ग्राउंड फ्लोर वालों को है। सही बात है मेहता साहब, हम भी तो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, इनका वही शॉट नहीं लगा तो। नहीं 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 नहीं, सीजन बॉल अगर मेरे मुंह पे लगा तो मेरे तो सारे दांत गिर जाएंगे। ठीक कह रहे हैं मेहता साहब आप, हम ग्राउंड फ्लोर वालों को सबसे ज्यादा खतरा है। एग्जैक्टली क्या बात कर रहे हैं हाथी भाई, हम लोग क्या ग्राउंड फ्लोर पे आते ही नहीं है क्या? ऐसे ही फर्स्ट फ्लोर से उड़कर बाहर चले जाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग बालकनी में खड़े हो और बॉल सीधा यहाँ पे आके लग जाए। आई गो! आई 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 गो! ये क्या हुआ? ये सीजन की सूचना है ये। नहीं 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 नहीं, तुम लोग सीजन बॉल से कंपाउंड में खेलोगे तो सबको लगने ही वाला है। हाँ अपने अपने घर में जाके खेलो। ये भाई ये, क्या घर में जाके खेला? नया घर में भी नहीं टप्पू, 100 बात की एक बात, कंपाउंड में भी नहीं और घर में भी नहीं। तुम सीजन बॉल से नहीं खेल सकते, मतलब नहीं खेल सकते। हाँ। अरे टप्पू बेटा देखो, सीजन बॉल खेलने के लिए स्पेशल पिच होता है, अब तुम ये ब्लॉक के ऊपर सीजन बॉल से खेलोगे तो बॉल उजल कर तुमको ही लग जाएगा। या एग्जैक्टली टप्पू। हाँ जवाब हाजिर है। हाँ अरे दया भाभी, टप्पू के जन्म के वक्त कौन सी किताब पढ़ रहे थे आप? 108 बारवटियों कादू मकरानी। इसीलिए अपना टप्पू है तूफानी। अरे ऐसे टाइम पे कोई डाकू की किताब पढ़ता है? डाकू की नहीं। तो क्यों पढ़ी? वो क्या हुआ, किसी ने गलती से किताब का कवर बदल दिया था। कवर का नाम था धार्मिक कथा। अगर सचमुच धार्मिक कथाएं पड़ी होती तो आज लोग टप्पू की शिकायत करने नहीं, उससे सलाह लेने आते। सॉरी अगली बार ध्यान रखूंगी। पता सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र में यही सीजन बॉल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता था। हाँ, ये भी ठीक कहा। लेकिन टप्पू बेटा, सचिन तेंदुलकर सोसाइटी के कंपाउंड में नहीं ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस करता था। हाँ बेटा तुम लोग भी बाहर जाके ग्राउंड में खेलो, तुम लोगों को भी कोई ना नहीं बोलेगा। पर हाथी अंकल अभी क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड बचे ही कहाँ है? पास में तो ग्राउंड थे, वहाँ पर बिल्डिंग बन गई। अरे लेकिन टप्पू, शिवाजी पार्क, क्रॉस मैदान, आजाद मैदान, वो तो इतने बड़े बड़े ग्राउंड है ना, वहाँ पर जाकर खेलो। ठीक है आप लोग हमें वहाँ खेलने ले जाओ, हम लोग कंपाउंड में सीजन बॉल से नहीं खेलेंगे। ठीक है बेटा, अय्यर अंकल तुम सबको मैदान में खेलने के लिए लेकर जाएंगे। मैं क्यों ले जाऊं? आइडिया किसने दिया? तुमने ना, तो तुमको ही लेके जाना पड़ेगा भाई। जेड़ा लाल मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे रोज रिसर्च सेंटर जाना पड़ता है। तो आइडिया क्यों दिया भाई? अरे तुम्हारा बेटा है, तुम लेकर जाओ।
तो फिर मेरी दुकान पे कौन जाएगा? तुम्हारा बॉस। सॉरी है ना, सॉरी लेकर जाएगा। ओ कमाल है यार, ओ इतनी गड़िया आई हुई है, अभी मैं जरा गैराज में बिजी हूँ। हाँ सॉरी। तो भाई सोसाइटी में फिर फ्री बच्चा कौन है? देखो मुझे ट्यूशन होते हैं। अरे भाई लेकिन अभी तो वैकेशन चल रहा है ना। हाँ तो क्या हुआ, अचार और पापड़ की डिलीवरी करने जाना पड़ता है ना मुझे। हाँ हो तेज। तो भाई इसका मतलब है टप्पू सेना, आप लोगों का क्रिकेट का प्रोग्राम कैंसल। नो वे। दोस्तों क्रिकेट का सीजन पीक पे है और यहाँ गोकुल धाम में भी एक फाइनल से बड़ा यानी कि एक बहुत बड़े हाई वोल्टेज महामुकाबले के महायुद्ध के प्रारंभ का शंख बज चुका है। एक तरफ है टप्पू सेना, दूसरी तरफ है पेरेंट्स और दोनों के बीच में मुद्दा भी है क्रिकेट। टप्पू सेना खेलना चाहती है सीजन बॉल से क्रिकेट इस कंपाउंड में और पेरेंट्स उन्हें अलाउड नहीं कर रहे हैं। भाई दोनों अपनी अपनी जगह सही है और वैसे आजकल के बच्चे भी तो न साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, न टीचर, न डॉक्टर, न नेता, बनना चाहते हैं सिर्फ क्रिकेटर। भाई क्यों ना बने, क्रिकेट और क्रिकेटर्स की चमक फिल्म स्टार से ज्यादा जो हो गई है। लेकिन मुंबई जैसे शहर जहाँ बच्चों के खेलने के लिए क्रिकेट के मैदान नहीं है, वहाँ बिल्डिंगें खड़ी हो गई है। हालांकि यहाँ गोकुल धाम में भी पेरेंट्स और बच्चों के बीच में दीवार खड़ी हो गई है न मानने की। अब देखिए खड़ी हो गई है दीवार, अब इस मैच में किसकी होती है जीत, किसकी होती है हार, आप देखने के लिए रहिए तैयार ठहाके बेशुमार सिर्फ आपके घर में तारक मेहता का उल्टा चश्मा के साथ। मेरे साथ देखते रहिए और सोचिए क्या होगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.